नमस्ते, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हाँ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में है और है में अंतर देखने वाले हैं। बहुत से छात्र ये नहीं जानते हैं कि है के ऊपर बिंदी कब दी जाती है और कब नहीं दी जाती है ना। वो क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं और उसी प्रकार देते हैं या नहीं देते हैं। तो छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण में कि है के ऊपर बिंदी कब दी जाती है और कब नहीं दी जाती है। यही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, क्या अंतर है और है में। ठीक है, देखो मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास एक किताब है, ठीक है, मेरे पास दो किताबें हैं। अब देखो कि पहले वाक्य में मेरे पास एक किताब है, इसमें एक किताब है, किताब कितनी है, एक ही है, क्योंकि इसमें एक संख्या है, इसलिए ये वाक्य जो है ये एक वचन में है और एक वचन में वाक्य होने के कारण यहाँ है के ऊपर बिंदी नहीं आई है। ठीक है, अब ये जो उदाहरण है, मेरे पास दो किताबें हैं। अब यहाँ किताबें हैं, इसकी जो संख्या है ये दो है, मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए ये वाक्य बहुवचन में है और बहुवचन में आने के कारण है के ऊपर यहाँ बिंदी आ गई है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, लड़का पाठशाला जा रहा है। इस वाक्य में लड़के या लड़का कितने हैं, एक ही है लड़का, है ना, एक ही वचन है, इसलिए पाठशाला जा रहा है के ऊपर बिंदी नहीं आई है। और यहाँ लड़के पाठशाला जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ लड़के ज्यादा है और इसलिए बहुवचन में ये वाक्य होने के कारण है के ऊपर बिंदी आ गई है। ठीक है, अब देखो कि क्या होता है, बहुत से छात्र ये जानते हैं कि है के ऊपर बिंदी एक वचन में नहीं दी जाती है, बहुवचन में दी जाती है, लेकिन बहुत से छात्र ये नहीं जानते हैं कि वाक्य अगर एक वचन का ही है, बहुवचन का नहीं है, फिर भी बिंदी आती है, कब आती है, यही हम ये उदाहरण देख रहे हैं। क्या अध्यापक अंदर है, जैसे कि अध्यापक रूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं और किसी ने बाहर से पूछा है क्या अध्यापक अंदर है, अब यहाँ प्रश्न चिन्ह होना चाहिए था लेकिन गलती से हो गया है, क्या अध्यापक अंदर है, तो अंदर के छात्र कहेंगे जी हाँ अध्यापक अंदर है। अब ये जो वाक्य है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अध्यापक जो है इनका हम आदर करते हैं, अध्यापक का हम आदर करते हैं, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं, और इसलिए अगर रिस्पेक्ट करनी है तो हिंदी में है के ऊपर बिंदी आती है। आप कहेंगे कि अध्यापक अंदर एक ही है, फिर भी हम उनका आदर कर रहे हैं, इसलिए है के ऊपर बिंदी आएगी। क्या अध्यापक अंदर हैं, इस प्रकार ये वाक्य होगा, ये सही वाक्य होगा। ठीक है, मतलब हमने ये देखा है कि एक वचन में है का प्रयोग होता है और बहुवचन में है का प्रयोग होता है, और इसके साथ साथ आदर के लिए है का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने है और है के बीच में अंतर देखा है, किस प्रकार प्रयोग करते हैं ये देखा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलते हैं, नमस्ते।